हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SCS एजुकेशन के लाइव क्लास में। तो दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री, जो आपकी क्लास 10th के सिलेबस का एक चैप्टर है जो आपका साइंस के अंतर्गत आता है। तो इसके हम लोग चैप्टर 3rd की पढ़ाई आज के क्लास में करेंगे। इससे पहले की क्लास में जो हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं तो केमिस्ट्री के दो चैप्टर, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ाई करेंगे वो करेंगे चैप्टर 3rd, जो आपका चैप्टर 3rd है, धातु और धातु और उपधातु। इसकी पढ़ाई हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और धातु क्या है, अधातु क्या है, या फेन प्लवन विधि क्या है, ये सब जो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इसी चैप्टर से पूछा जाता है। तो आप जो हमारे क्लास को अंत तक देखिए। तो हम लोग चैप्टर वाइज इसकी पढ़ाई करते हैं, तो इसके हम लोग फुल थ्योरी, मतलब इसके हम लोग पूरे विस्तार से इस चैप्टर के बारे में पढ़ाई करेंगे, इसके एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो हम लोगों का जो लाइव क्लास होता है वो प्रत्येक दिन 8 बजे शाम में होता है, जैसा कि अभी आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप लोगों को अगर हमारे साथ प्रत्येक दिन का लाइव क्लास जुड़ना है तो रोज हमसे 8 PM में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा जो आप लोगों को नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड किया जाए उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। क्योंकि ये सभी जो है आपके मेट्रिक एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी है। तो आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ बने रहे, और अधिक जानकारी के लिए इसके नोट्स लेने के लिए हमारे जो यह नंबर है उस पर मैसेज कर दें या हमारे ग्रुप से जुड़ जाए। तो ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 है, हम लोग आज पार्ट 1 को देखने वाले हैं। तो हम लोग जो है बहुत दिन के बाद पढ़ाई किए हैं, तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या सब। तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग जानेंगे, पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों का है धातु, अधातु और उपधातु क्या है। पहला जो क्वेश्चन हम लोग जानेंगे वो क्या है, धातु, अधातु और उपधातु क्या है। और हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन होगा वो है धातु और अधातु के भौतिक गुणों को लिखिए। ये क्वेश्चन दूसरे तरफ से पूछता है, या इस क्वेश्चन को पूछता है भौतिक गुणों के आधार पर दोनों के बीच के अंतर को लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि भौतिक गुणों के आधार पर दोनों के बीच के अंतर को लिखिए, या आप लोगों से पूछ देगा धातु या अधातु के भौतिक गुणों को लिखिए। और थर्ड जो क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे वो है आपका है धातु और अधातु के रासायनिक गुणों को लिखिए, या इसके आधार पर दोनों के बीच के अंतर लिखिए। तो ये जो है हम लोग अभी के आज के इस क्लास में, इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जो है ध्यान से मेरे बातों को सुनेंगे और ध्यान से मेरे बातों को जानेंगे, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को लेके देखते हैं, धातु, अधातु और उपधातु क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, धातु, अधातु या उपधातु क्या है। सबसे पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हमारा धातु क्या होता है, क्या देखेंगे। धातु हमारा मतलब मेटल, इसका अंग्रेजी होता है धातु का मेटल क्या है। तो धातु हम लोग किसको बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई कर चुके होंगे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाई अब तक नहीं किए हैं। जो नहीं किए हैं वो हमारे साथ रेगुलर 8 बजे क्लास को अटेंड करके इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो धातु हमारा मेटल क्या होता है, तो वे तब जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, या जो अभंगुर, तन्नीय, धातुवर्धीय या विद्युत घनात्मक, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, या तथा जल अथवा तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु। आपसे एग्जाम में पूछता है धातु मेटल क्या है, तो आप लोग लिखेंगे वे तब जिसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, या जो अभंगुर होते हैं, तन्नीय मतलब उसको पीट पीट के लंबा किया जा सकता है, घातवर्ती मतलब जो सह सकता है, उसका विद्युत घनात्मक होता है, उष्मा और विद्युत दोनों के सुचालक होते हैं, उससे करंट पास किया जा सकता है, और जो धातु है वह जल अथवा तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। और अब तक जो है दोस्तों, अब तक लगभग 80 धातु का खोज हो चुका है। कितने धातु का, 80 धातु का अब तक लगभग खोज हो चुका है। जैसे में धातु हमारा हो गया सोना, चांदी, पारा, सोडियम, लोहा, तांबा इत्यादि धातु है। इससे करंट भी पास किया जा सकता है, ये तन्य भी होते हैं, ये टूटते भी नहीं है, मतलब अभंगुर होते हैं, ये विद्युत के घनात्मक भी होते हैं, और इससे उष्मा और विद्युत के सुचालक भी होते हैं। तो अगर आपसे पूछा कोई धातु का परिभाषा तो आप उसको इतना लिख सकते हैं। और ये अगर आपसे सिर्फ स्पेशली पूछता है कि हमारा धातु क्या होता है, स्पेशली क्या पूछता है हमारा धातु क्या है, तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा। तो हम लोग आप सेकेंड देखते हैं, अधातु क्या होता है। आप सभी
अब सेकेंड हम लोग देखते हैं अधातु। क्या देखते हैं? अधातु हमारा क्या होता है? अब हम लोग अधातु को जानने वाले हैं, मतलब अधातु नॉन मेटल। यहाँ आप लोगों का अंग्रेजी गलत लिखा गया है, आप लोग चेंज कर लेंगे, इसको लिख देंगे नॉन मेटल। क्या लिखेंगे? अधातु को। अधातु को आप लोग चेंज करके इस जगह पर, जो ये आपका जगह है यहाँ पर, आप लोग इसको नॉन मेटल कर लेंगे और इसको काट के यहाँ पर आप लोग इसको एक सिर्फ काट के एक एक्स्ट्रा लगा लेंगे NON नॉन मेटल। क्या लगा लिख लेंगे? नॉन मेटल। अधातु हम लोग किसको बोलते हैं? तो अन नॉन मेटल किसको बोलते हैं? तो वे तब मतलब धातु क्या होते हैं? धातु और भंगुर होते हैं और घातवर्धीय होते हैं, विद्युत घनात्मक होते हैं। तो जस्ट उसका विपरीत जो होता है वो हमारा अधातु हो जाता है। तो अगर आप लोग एक याद कर लेते हैं तो उसका विपरीत बना के आप लोग अधातु की परिभाषा लिख सकते हैं। तो अधातु में क्या सब है? वे तब जो भंगुर, अतन्य और घातवर्धीय, विद्युत ऋणात्मक, उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, तथा जल अथवा तनु अणुओं से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करने वाले नहीं होते हैं। ये जल और तनु अणुओं से विक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अधातु कहते हैं। अब तक लगभग 22 अधातु का खोज हो चुका है। कितने अधातु का? अब तक लगभग 22 अधातु का खोज हुआ है। और जैसे मैं अधातु हमारा हो गया हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि, क्या है हमारे? इत्यादि हमारे अधातु है। हम लोग थर्ड समझते हैं उपधातु क्या होता है। थर्ड हम लोग क्या समझते हैं? उपधातु। धातु और अधातु में जस्ट उसका विपरीत अधातु हो जाता है। उपधातु हम लोग किसको कहते हैं? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या बोलते हैं? मेटल लॉइड्स। अधातु, सॉरी दोस्तों, उपधातु किसको बोलते हैं? उपधातु का मतलब क्या हो गया? धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उपधातु। तो उपधातु क्या हो गया? वे तब जो धातु और धातु दोनों जैसे आचरण करते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। मतलब ये दोनों जैसे, ये कुछ ऋणात्मक होते हैं, कुछ घनात्मक होते हैं, कुछ घातवर्धीय होते हैं, कुछ अघातवर्धीय होते हैं। ये हाइड्रोजन कुछ जो है गैस उत्पन्न कर देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो ये धातु और धातु के दोनों के इसमें मिश्रित गुण पाए जाते हैं। किसमें? उपधातु में। जैसे में हमारा हो गया सिलिकॉन, जर्मेनियम, ब्रोनोन, एंटीमोनियम इत्यादि हमारा तब उपधातु है। आपको जो इसमें धातु और धातु और उपधातु इसमें से दो आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका धातु और अधातु। इसको आप लोग लिख लेंगे, इसके बीच के अंतर को भी आप लोग समझ लेंगे। धातु और धातु के बीच में अगर आपसे अंतर पूछा तो इसको भी लिख सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा भी। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं, जो आपको वीडियो के शुरू में बताया गया था। हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन क्या देखेंगे? धातु और अधातु के भौतिक गुणों के आधार पर लिखिए, या इसके बीच के अंतर को लिखिए। किसके आधार पर? भौतिक गुणों के आधार पर। हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन? धातु और धातु के भौतिक गुणों के आधार पर इसके गुण को लिखिए, अथवा भौतिक गुणों के आधार पर धातु और धातु में अंतर बताएं। किसमें? भौतिक गुण के, मतलब फिजिकल, उसका नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल के आधार पर इसके दोनों के बीच के अंतर को लिखेंगे। भौतिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच के अंतर को लिखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या गुणों को लिखिए। तो आपको एक डायग्राम के तहत इसको बनाते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा ताकि आपको बाद में याद कर सके, अन्यथा आप हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आपको वहां इसका मैसेज कर दिया जाएगा। तो धातु और धातु के भौतिक गुणों को लिखिए, या धातु या अथवा भौतिक गुणों के आधार पर दोनों के बीच के अंतर को लिखिए। तो अंतर, हम लोग अंतर जो डिसाइड करते हैं वो दो चार्ट बना के करते हैं। तो एक साइड हम लोग किसका चार्ट बना दिए? एक साइड हम लोग धातु का चार्ट बना दिए और दूसरे साइड हम लोग अधातु का चार्ट बना दिए। अब आप लोग इसको समझे, मैं टोटल आप लोगों को इसमें 7 से 8 अंतर बताऊंगा ताकि आप लोगों को कम से कम 5 याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछता है। धातु और धातु के भौतिक गुणों को लिखिए या उसके बीच के अंतर को लिखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से 5 नंबर में पूछता है, इसलिए मैं आप लोगों को 5 नंबर के बराबर बताऊंगा ताकि आप लोग एग्जाम में लिख ले। तो धातु और धातु के अंदर मैं 8 बताऊंगा, इसमें से आप लोगों को 5 छाट के लिखना, जो आपको 5 अच्छा लगे आप लोग उसको लिख सकते हैं। तो पहला अंतर क्या है? धातु में एक विशेष चमक होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। धातु में क्या होती है? धातु में एक विशेष चमक होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? धातुई चमक। उसे सेकेंड हमारा क्या है? दूसरा हमारा ऐसे, ये हमारा एक धातु लिख दीजिएगा, दूसरे साथ आप लोग अधातु, इस साइड आप लोग धातु और इस साइड आप लोग क्या लिखेंगे? अधातु। तो यहाँ लिखेंगे धातु में एक विशेष चमक होती है जिसको क्या बोलते हैं? धातुई चमक कहते हैं। और अधातु में कोई भी विशेष चमक नहीं होती है, ये सब हम लोग भौतिक गुण के आधार पर लिख रहे हैं। उसका सेकेंड है, ये भंगुर होता है, अर्थात इसको पिटने पर चूर चूर नहीं होता है। भंगुर का मतलब क्या हो गया? अर्थात इसको पिटने पर चूर चूर नहीं होता है, धातु हमारा पिटने पर चूर चूर नहीं होता है। और दूसरा, ये भंगुर होता है अर्थात पिटने पर चूर चूर हो जाता है। धातु क्या होते हैं? धातु और भंगुर होते हैं, मतलब पिटने पर चूर चूर हो जाते हैं, और धातु को पिटने पर चूर चूर नहीं होते हैं।
तो ये हमारा एक दो अंतर हो गया। पहला, धातु में एक विशेष चमक होती है जिसको हम लोग धातुवी चमक कहते हैं, उसी में दूसरा हो गया, पहला हो गया धातु का, और धातु में कोई भी विशेष चमक नहीं होती है। दूसरा हमारा अंतर है, ये भंगुर होता अर्थात पीटने पर चूर चूर नहीं होते हैं, और दूसरा इसमें हमारा हो गया, यह भंगुर होता अर्थात पीटने पर चूर चूर हो जाता है। उसके बाद थर्ड हमारा अंतर है कि ये घातवर्ध्य है, मतलब इसको जो है पीटने पर चूर चूर नहीं होता, यह घातवर्ध्य बंदर इसको पीटने पर चूर चूर नहीं होता है, यह घातवर्ध्य होती है। चौथा, इसमें ये साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन साधारण ताप पर गैस अवस्था में पाई जाती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि धातु साधारण ताप पर किस अवस्था में पाई जाती है, तो आप लोग लिखेंगे धातु साधारण ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, और धातु साधारण ताप पर गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। धातु जो है सिर्फ ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातु गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद पांचवा होता है कि द्रवणांक क्वथनांक एवं घनत्व उच्च होते हैं, लेकिन अधातु के द्रवणांक क्वथनांक एवं घनत्व निम्न होते हैं। क्या होते हैं इसके द्रवणांक क्वथनांक और घनत्व निम्न होते हैं, लेकिन धातु के द्रवणांक क्वथनांक और घनत्व उच्च होते हैं। तो ये टोटल पांच हो गए। हम लोग सिक्स देखते हैं। आप लोग इसके सभी अंतर को अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आप लोगों को अंतर इसके जो है समझने में दिक्कत ना हो, ताकि आप लोग एग्जाम में भी लिख सके। ये पांच नंबर का एक मान लीजिए आपका आउट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ये एक प्रकार का आउटडेट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। धातु, ये विद्युत घनात्मक होते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण होते हैं। धातु में क्या होते हैं, धातु घनात्मक होते हैं और धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने के गुण होते हैं, लेकिन विद्युत धातु जो है हमारा होता है ये ऋणात्मक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। धातु में हमारा इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण होता है और अधातु में हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण होता है। उसके धातु को हथौड़े से पीटने पर टन या झन की ध्वनि सुनाई पड़ती उत्पन्न होती है, लेकिन जो इसको झन या ध्वनि की सुनाई अधातु में नहीं पड़ती है। जैसे आपका उसका विपरीत आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट अंतर जो आप लोग से एग्जाम में पूछा, तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। एक ये अंतर आप लोग छोड़िएगा नहीं, और दूसरा ये दोनों अंतर लिखिएगा ही, और तीन आपको जो अपने मन से लिखना हो वो लिख दीजिएगा, लेकिन ये दो जो है आपके एग्जाम के लिए आपका एक पॉइंट है, जो एक वीवीआई पॉइंट है, आप लोग उसको दर्शा रहे हैं। इससे जो है जो कॉपी चेक करोगा आपको नंबर अच्छा दे सकता है। उसके बाद इसकी बाह्यतम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसके बाह्यतम कक्षा में चार से आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु में बाह्यतम कक्षा में चार से आठ इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन धातु के बाह्यतम कक्षा में एक दो या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पांच नंबर पूछ सकता है, तो आप लोग क्वेश्चन एक कर सकते हैं कि सर ये तो पांच नंबर में पूछा, तो हम लोग पांच नहीं आठ भी लिख सकते हैं, तो आप लोग आठ भी ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इसमें कोई भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप आठ लिखना चाहें तो आठ भी लिख सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग हम लोग रासायनिक गुणों के आधार पर देखते हैं किसमें, अब हम लोग नेक्स्ट जो है रासायनिक गुणों के आधार पर देखते हैं कि रासायनिक गुणों के आधार पर दोनों के बीच में क्या अंतर है। मैंने इसलिए दोनों क्वेश्चन एक ही दिन रखा, भौतिक और रासायनिक गुण, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो और आप लोग अच्छे से लिख सके, अच्छे से दोनों के बीच के अंतर को समझ सके। तो ये हमारा है अब नेक्स्ट रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु के बीच अंतर, या आप लोग मान सके तो दोनों के बीच के दोनों के गुण, रासायनिक गुण के आधार पर धातु और धातु के बीच के गुण, आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो आप लोग जो है दोनों में से जो आपको लिखना हो वो लिख दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक गुण के आधार पर लिखे या भौतिक गुणों के आधार पर लिखे, तो आप लोग लिख सकते हैं। अन्यथा आप लोग को से अगर पूछा कि धातु और अधातु के बीच के अंतर लिखे, तो आप लोग कुछ पॉइंट दे दीजिएगा भौतिक गुण के और कुछ पॉइंट दे दीजिएगा रासायनिक गुण के। फिर से आप लोग समझे, अगर आप लोगों से पूछा धातु और धातु के बीच के गुणों को लिखिए, तो आप लोग कुछ पॉइंट देंगे भौतिक गुण के आधार पर, कुछ पॉइंट देंगे रासायनिक गुण के आधार पर, मतलब दोनों के दो दो पॉइंट, एक पॉइंट आपको जो अच्छा लगे वो उठा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए आप लोग इसको समझ लिए होंगे, तो हम लोग अब इसके परिभाषा को समझते हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और धातु के बीच के अंतर। तो पहला हमारा क्या हो गया, पहला इसका अंतर जो आपको रासायनिक गुण के आधार पर है, वो पहला है धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर विद्युत संयोजी ऑक्साइड बनाती हैं। आप लोग ध्यान देंगे, ये सब आपका एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाते हैं, तो धातुएं जो है ऑक्सीजन से संयोग कर विद्युत संयोजी ऑक्साइड बनाते हैं, और धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर सहसंयोजी ऑक्साइड बनाते हैं। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर विद्युत संयोजी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अधातुएं जो है ऑक्सीजन से संयोग कर सहसंयोजी ऑक्साइड बनाते हैं।
उसके बाद सेकेंड है धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड अक्षारीय होते हैं। क्या होते हैं? धातुओं के ऑक्साइड जो है वो क्षारीय होते हैं लेकिन अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अक्षारीय होते हैं। तो पहला दो अंतर इसके बीच में है कि धातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर विद्युत संयोजी ऑक्साइड बनाते हैं लेकिन अधातुएं ऑक्सीजन से संयोग कर ससंयोजी ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा हमारा है धातुएं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड जो है अक्षारीय होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड जो है वो आपका है धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं लेकिन अधातुएं जल से अभिक्रिया कर कोई भी गैस मतलब हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करती है। उसके बाद चौथा हमारा हो गया ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं लेकिन ये तनु हाइड्रोक्लोरिक अन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। पहला समझ रहे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम से धातु अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है लेकिन अधातु नहीं बनाता है। उसके बाद अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देते हैं लेकिन अधातुएं इस तरह की अभिक्रिया नहीं करती है। आप लोग ध्यान से इसके पांच अंतर को समझ लें क्योंकि ये पांच ही आपके एग्जाम में लिखना है। अगर आप लोगों से पांच में पूछा तो आप लोगों को कम से कम पांच अंतर देना है ताकि आप लोगों को पांच में पांच नंबर मिल सके। तो आप लोग लिख सकते हैं इतना, आप लोग ध्यान से देख ले। अगर आपको चाहिए तो आप लोग इसके एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम लोग अपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो ये हमारा क्लास का आज के क्लास को हम लोग यहीं रखेंगे। हम लोग इससे जो आगे हैं वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे लेकिन आप लोगों को मैं पहले बता दूं हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या सब, मतलब पढ़ेंगे क्या सब, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं ताकि आप लोगों को हो सके तो आप लोग उसकी पढ़ाई पहले से कर ले या आप लोग जो है उसकी किताब में उसकी पढ़ाई कर ले ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप लोगों को इतनी देर समझने में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब लोग हम लोग बताते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या सब पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट क्लास जो हम लोग कल के क्लास में जो मंगलवार के क्लास में डिस्कस करेंगे वो पहला हमारा जो कल पढ़ेंगे वो आपका है खनिज क्या है। कल पहला क्या पढ़ेंगे? खनिज क्या है। आप लोग पढ़ लेंगे अगर हो सके तो खनिज क्या है। उसका दूसरा जो हम लोग देखेंगे अयक्स क्या है जिसको हम लोग क्वार्ट्ज बोलते हैं। अयक्स क्या है, मिनरल्स क्या है, व्हाट इज मिनरल्स व्हाट इज ऑरियस, उसके दोनों के बीच अंतर, खनिज और अयक्स के बीच में क्या अंतर है। उसके बाद नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम लोगों का है अयक्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब की पढ़ाई हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे जिसमें अयक्स के प्रकार सब भी हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग हो सके तो आप लोग पहले से पढ़ाई कर लें तो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम है तो नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा जो है ग्रुप का लिंक दिया गया है, हमारे ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं कल फिर 8 बजे क्लास में, तब तक के लिए बाय।